बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी विनय कुमार सहरसा पहुंचकर विभिन्न लंबित व निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने 3,22,00,000 की लागत से बन रहे महिला थाना और SC/ST थाना के भवन निर्माण कार्य में हो रहे विलंब पर काफी नाराजगी जताई। उन्होंने संवेदक को 3 माह के अंदर निर्माण कर पूरा करने का आदेश दिया है तथा समय निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की संवेदक को चेतावनी दी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस केंद्र में निर्माणाधीन क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अगले साल तक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद सहरसा पुलिस को फोरेंसिक जांच के लिए भागलपुर नहीं जाना होगा। पुलिस केंद्र स्थित फोरेंसिक लैब से सटे विभिन्न विभागों का संयुक्त भवन का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। डीजी ने बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पुलिस केंद्र में पुलिस कर्मियों के लिए पूर्व से स्वीकृत महिला और पुलिस कर्मी के लिए 1 से 2 महीने में बैरक का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जितने सारे थाने हैं यहाँ पे जिसके भवन जमीन नहीं थे, प्रयास किया जा रहा है, जैसे अभी कनड़िया, पतरगढ़ और बेलवा घाट, ये सब जो कुछ 4-5-8 थाने थे मोटा मोटी, तो 8ों का प्रयास किया जा रहा है कि उसके लिए जमीन मिल जाए और भवन स्वीकृत होकर के सभी का अपना जमीन और भवन हो जाए। और यहाँ पर एक रीजनल FSL की बिल्डिंग बन रही है, उसको हम लोगों ने देखा है, कंबाइंड बिल्डिंग बन रही है जिसमें बाहर से जो पदाधिकारी आएंगे किसी ऑपरेशन के लिए पटना मुख्यालय से, जैसे प्रोहिबिशन विंग का हो गया, स्पेशल ब्रांच, CID, STF, तो वहाँ से वहाँ उनको रहने की व्यवस्था है, कॉन्फ्रेंस वगैरह मीटिंग करने की व्यवस्था, एक बिल्डिंग बन रही है रीजनल FSL के बगल में। रीजनल FSL बिल्डिंग भी तेज़ी से बन रहा है। हम लोगों का यह प्रयास है कि अगले साल जून तक राज्य के, जैसे पूर्णिया का बन चुका है, अभी CM के द्वारा उद्घाटन हुआ है 2 दिन पहले पूर्णिया FSL की बिल्डिंग, और भी कई जगह FSL की बिल्डिंग बन चुकी है और कुछ जगहों पे अभी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर में सभी रेंजेस में FSL की बिल्डिंग पूर्ण हो जाए और उसमें वैज्ञानिकों का पदस्थापन हो करके उपकरणों की व्यवस्था करके फॉरेंसिक जांच की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, ताकि सहरसा को अभी भागलपुर जाना पड़ता हो, पूर्णिया को भी भागलपुर जाना पड़ता है। भागलपुर भी 2018 में ही सृजित हुआ, उसके पहले इस पूरे एरिया का जो फॉरेंसिक नीड है वो पटना से पूरी होती है। पटना से टीम को आने में काफ़ी विलंब हो जाता है, तब तक साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना रहती है, टेंपर होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों की यह व्यवस्था चल रही है कि प्रत्येक जिले में एक चलंत प्रयोगशाला हो, उसके लिए भी बिल्डिंग बन रही है 28 जिलों में, और प्रत्येक रेंज में, पुलिस रेंज में एक रीजनल FSL की बिल्डिंग हो, ताकि फॉरेंसिक का इतना विस्तार हो जाए सो दैट हम लोग आधे घंटे के अंदर में, 45 मिनट के अंदर में PO पे पहुंच जाए, हमारे साइंटिस्ट पहुंच जाए, वहाँ जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसको संकलित करके और विश्लेषण के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में यदि फैसिलिटी है तो वहाँ कराएं, और यदि क्षेत्रीय में फैसिलिटी नहीं है तो केंद्रीय प्रयोगशाला जो पटना में है, जहाँ पे DNA और अन्य प्रकार के जो आधुनिक टेस्ट की विधि है उसकी व्यवस्था कीजिए वहाँ पे। मैं तीन शुरू में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पुराने बिल्डिंग को तोड़ने में समय लगा, फिर कुछ जो पुराने बिल्डिंग का जो मटेरियल था उसके संबंध में कुछ इश्यूज था, और इधर इन्होंने काम बंद कर रखा है। ये 2000 कब शुरू किया, 21 का प्रोजेक्ट है, 22 में शुरू किया है, तो इसको 1.5 साल में पूरा करना रहता है, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा लगे हैं। तो 3 महीने का इनको समय है, 3 महीने में यदि बना दें तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्लैकलिस्ट होंगे पूरा। सर, पुलिस नन में पुलिस बैरक की हो गई है, उसके लिए क्या बैरक यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन है और 1-2 महीने में निर्माण शुरू हो जाएगा। 300, 100, 400, 500 की कैपेसिटी का बैरक, मल्टी स्टोरेज बैरक सैंक्शन हो गया है, उसका निर्माण कार्य 1-2 महीने के अंदर में प्रारंभ हो जाएगा। और जो पुराने बैरक्स हैं उसको रिपेयर करने के लिए भी एस्टिमेट्स वगैरह तैयार है, उसके लिए भी फंड आया हुआ है, उससे उसकी मरम्मति की कार्रवाई भी तेज़ी से कराई जाए। में 7 साल से ऊपर सजा वाले कांडों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया, मतलब फोरेंसिक टीम घटनास्थल का भ्रमण करेगी, खोजेगी वैज्ञानिक साक्ष्यों को, और यदि साक्ष्य वहाँ पे दिखते हैं तो उसको जब्त करेगी और उसको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजेगी, अनिवार्य, जो पहले अनिवार्य नहीं था। पहले था विवेक पे निर्भर है कि आप बुला भी सकते हैं FSL को, नहीं भी बुला सकते हैं, अब ये अनिवार्य हो गया है, और न्यायालय भी इसका प्रबोधन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा कि अनिवार्य रूप से 7 साल से ऊपर सजा वाले कांडों में फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का भ्रमण की या नहीं की। इसके लिए राज्यों को 5 साल का समय दिया गया है कि 5 साल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करिए। तो हम लोग
अभी दिया है कानून बनने के बाद समय, हम लोग 3-4 साल पहले से ही इस मामले में संवेदनशील है और प्रत्येक जिले में चलन प्रयोगशाला और प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिल्डिंग की कार्रवाई, साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट वगैरह कार्रवाई चल रही है। कोशिश से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।